हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप का ध्यान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अब कैसे काटोगे चलान, मतलब जो ट्रैफिक पुलिस वाले सारे देश में लगभग बहुत से ट्रैफिक पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार फैला रखा था, वो चलान काटने के नाम पे लोगों को डरा और धमका के पैसे लूट खसोट कर रहे थे, वो अब उनकी लगभग बंद होने वाली है कुछ टाइम के बाद। आज 1 अक्टूबर 2020 से नया नियम लागू हो गया है भारत सरकार के आदेश आने के बाद, जो कि सारे देश में लागू हो गया है। पहले जब आपको बताया कि पिछले साल सितंबर से भारत सरकार की गाइडलाइंस नहीं आ गई थी, जो कि जुर्माना यातायात नियमों में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जो 1000 था वो 10000 तक कर दिया गया था, 5 गुना तो लगभग सारे ही कर दिए गए थे। मेरे ज्ञान में विश्वास के अनुसार कोई भी ऐसा जुर्माना नहीं था यातायात में जो सिर्फ 2 गुना किया गया हो। तो उससे क्या होगा हुआ था, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा वित्तीय भार पड़ गया था, और उसके बाद जैसे कोविड-19 आ गया उसमें भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा। उसी का ही इसमें ये पुलिस वाले, ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कर रहे थे, वो क्या करते थे, किसी पार्टी को रोक लिया, अब रोकने की तो उनके पास पावर थी, कहीं चलान काट रहे हैं तो वो तो रोकेंगे, अब रोक लिया, जब रोकने के बाद उससे हमारे देश में ज्यादातर लोग डॉक्यूमेंट साथ लेके नहीं चलते, या बहुत से आदमी किसी की है 10-15 हजार की, क्योंकि 80 करोड़ आदमी जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, अब उनके पास है स्कूटर मोटरसाइकिल है ही, वो 10-15 हजार की 8-10 साल चली हुई, उन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, उसका प्रदूषण का सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया हुआ है, आरसी तो शायद उनके पास हो, वो भी शायद हो सकता है मौके पे वो ना हो, और हेलमेट का तो रिवाज अभी भी नहीं चला है। मैं देखता हूं बहुत कम आदमी हेलमेट पहनते हैं, वो तो अपनी जान को सस्ती समझते हैं, वो मजा लेते हैं कि यार ऊपर नहीं चलो, मजा आ रहा है, हवा भी लग रही है, गर्मी सर्दी भी मजा आ रहा पूरा। तो इस तरीके से जैसे उनके चलान कटते थे, अब जब उनको रोक लिया जाता था, अब किसी के पास प्रदूषण नहीं है, आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो इन सब चीजों का चलान लगभग 35-40 हजार रुपए के करीब हो जाता था। वो डिपेंड करता था कि उस आदमी का उस चीज का दूसरी बार चलान कट रहा है या तीसरी बार चलान कट रहा है। गाड़ी में भी ऐसे ही कटता था, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो चलान कटेगा, मोबाइल पे बात कर रहा है तो 5000 रुपए का चलान कटेगा, इस तरीके से रोक लिया जाता था। अब पुलिस वालों को भी ये पता था कि अब इसका 35000 रुपए का अगर हम उसमें फॉर्म फिल कर देंगे, उनकी तो चार उसमें तो सारे कॉलम बने हुए हैं, 50 से भी ज्यादा कारण है जिनका पुलिस ट्रैफिक रूल के तहत हमारा चलान काट सकती है, और वो सारे उसमें लिखे हुए हैं, उनको कुछ रामकहानी लिखने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ टिक मार्क करना है, ठिक्का लगाना है उसके आगे, और कुछ नहीं करना, ऊपर मारा नाम पता एड्रेस बस ये लिखना है, उसके बाद ये टिक करना है और वो चलान कट गया। अब वो ये समझते थे कि पहले तो मेरे जो देखने में आया था, जब ट्रैफिक पुलिस तो चलान तो आज से 20 साल पहले भी करते थे, पहले क्या होता था ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते थे, रोकने के बाद ज्यादातर तो 100 रुपए का रिवाज था, भाई 100 रुपए दे दो, आज से 10 साल पहले भी यही रेट था इनका, इन्होंने भी एक रेट निकाल रखा है, तो वो 100 रुपए दे दिए जा भाई अपने घर, उसको ये 50 आदमी 100 आदमी आएंगे शाम तक 10000 रुपए मेरे पास आई जाने हैं, इसको जाने दे बीमारी को। अब क्या हो गया, आप उसके पास पावर इतनी ज्यादा सरकार ने दे दी कि वो 35000 रुपए का भी हमारा लॉस कर सकता है, उसकी वजह से अब उसको भी लालच आ गया, अब वो ये चाहता है कि मैं अगर इसको छोड़ दूं तो ये मुझे 10000 रुपए दे दे, या कम से कम 5000 रुपए तो दे ही दे, मैं इसके 35000 रुपए बचवा रहा हूं, और इसमें कुछ लॉजिक भी था और लोग दे भी रहे थे, उसका भुगतान करके सोच रहे थे यार 35000 रुपए में तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे, 25000 रुपए की तो मेरी एक्टिवा ही है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो मैं दूसरी का मेरा ब्योत नहीं, वो इस तरीके से पैसा उनका दे रहे थे। आज से क्या नया नियम लागू हुआ है, जैसे हमारे शहर में, जैसे मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं, यहां पे 129 कैमरे पहले से लगे हुए हैं जो कि ऑनलाइन ही चलान काट रहे हैं, वहां पे इन्होंने एक कमांड सेंटर इसका बनाया हुआ है,
तो कंट्रोल रूम से वहां से एक पुलिस वाले इन्होंने बैठा रखे हैं सरकार ने, वो हमारा ऑनलाइन चलान काट रहे थे वहीं से बैठे बैठे उन कैमरों के द्वारा। अब क्या होगा, नया कंसेप्ट आ गया है कि नई टेक्निक के कैमरे आ गए हैं, HD कैमरे आ गए हैं, हाई डेफिनेशन कैमरे आ गए हैं, टेक्निक सारी चेंज हो गया। अब 250 से भी ज्यादा कैमरे नए करनाल के अंदर लगने जा रहे हैं, जो कि उसमें पुलिस वालों को भी बिठाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही चलान काटेंगे। उनको ऐसी कमांड, उनका सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया गया है, वो जैसे ही किसी को स्कैन करेंगे, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप निकली और उसने उसकी फोटो ली, उसके अंदर तो वो आएगा क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पे लगा रखे हैं, वो सारे उसके अंदर से पास होकर जितनी भी ट्रैफिक का वो जाएगी, वो सेकंडों के हिसाब से चलान काटेंगे। जैसे ही आपकी बाइक कार जीप उसके आगे गई, आपने ट्रैफिक, आपने सीट बेल्ट नहीं आई, चलान कट गया, सीट बेल्ट का तो कटेगा ही कटेगा, साथ में आपका नंबर स्कैन हो गया। अब उस कैमरे को यह भी पता लग गया कि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है कि नहीं, आपने प्रदूषण की करवा रखा है कि नहीं, या इस टाइप की और भी कोई बीमारी हो। जैसे लाइसेंस तो खैर नहीं पता लगेगा, क्योंकि लाइसेंस तो नाम से पता लगता है, उसको यह नहीं पता लगेगा कि ये आदमी चला कौन रहा है। तो इस तरह के हमारे चलान कट के लोगों के घर आने शुरू हो जाएंगे। अब क्या हो गया, वो पुलिस का तो जो ट्रैफिक पुलिस का था, कुछ टाइम के बाद अब आराम आराम से सारे देश में लगते जा रहे हैं। हमारे यहां तो कस्बों में भी लगने शुरू हो गए हैं, यहां असंध कस्बा पड़ता है आज से 35-40 किलोमीटर दूर, वहां पे भी कैमरे लग गए हैं, और शायद रावड़ी नीलो खड़ी में भी लग गए होंगे, नहीं लगे होंगे तो लगेंगे जरूर। ये सारे देश में जैसे जैसे लगते जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस का जो रोल है वो खत्म होता चला जाएगा, उनकी जरूरत नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की पावर को खत्म कर दिया जाएगा, वो कहीं भी किसी को भी रोक के पेपर चेक करने के लिए नहीं रोक सकती। कोई अननेसेसरी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, भाई कोई आदमी किसी को मार के भाग रहा है, एक्सीडेंट करके भाग रहा है, गोली मार के भाग रहा है, या चोरी करके भाग रहा है, और पुलिस के पास ऐसी इंटीमेशन आ गई, तो इस अप्रिय स्थिति में वो उसको रोक सकते हैं। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कोई पुलिस वाला सारे देश में किसी को नहीं रोकेगा। अगर उस सिचुएशन में मान लो कोई शक के आधार पे किसी को रोक लिया गया, उसमें भी पुलिस आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकती। आप ऐप बन गए हैं, आप प्ले स्टोर से या एप्पल के आई स्टोर से उससे अपना लोड कर सकते हैं उनको सरकार के, उसमें आप डिजिटली रूप में अपना लाइसेंस, अपना पैन कार्ड भी वैसे रख सकते हैं, लेकिन जो अगर इसकी बात करें ट्रैफिक की, अपना पैन कार्ड, अपना उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस, RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और प्रदूषण, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसके अंदर रख सकते हैं। और अब तो जो है पोल्यूशन का, प्रदूषण का जो सर्टिफिकेट है वो भी ऑनलाइन कटने लग गया। जैसे ही वो अपलोड करेंगे, वो जैसे जैसे उसमें कमांड आप देते रहेंगे, वो सारा ऑटोमेटिक उसमें अपलोड होता चला जाएगा, और वो हर पुलिस वाले को मान्य होगा। और पुलिस वालों को भी ऐसी डिवाइस दी जा रही है कि वो सिर्फ आपकी गाड़ी का, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस जो भी चीज होगी उसको सिर्फ स्कैन करेंगे अपने उससे, और आपकी सारी डिटेल उस पुलिस वाले के पास आ जाएगी। अगर वो नहीं भी डिवाइस होगा तो उस पुलिस वाले को ये मैंडेटरी होगा कि वो अपने फोन में वो ऐप लोड कर ले गवर्नमेंट का, जिससे आजकल सबके पास ही एंड्रॉयड फोन है, फिर वो जैसे ही आपकी गाड़ी को या आप स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप को स्कैन करेंगे, वो सारी डिटेल आपकी उनके पास पहुंच जाएगी, तो उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेने की जरूरत भी नहीं है आज की डेट में। जैसे जैसे ये अपडेट होता जाएगा, ऐसे ऐसे इनका ये गुल्लू घरा खत्म होता चला जाएगा। अब कुछ बात और आज हमारे देश में लागू होगी है, वो ये है कि जो आपने किसी भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, बहुत सी कंपनियों ने नई स्कीम बनाई हुई थी, आज से 10 साल पहले जब हेल्थ इंश्योरेंस होता था, ज्यादातर अगर 40 प्लस आदमी का किसी का हेल्थ इंश्योरेंस होता था तो उसका पूरा पहले मेडिकल चेकअप करवाया जाता था, उसके बाद उसको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता था। अब क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया, 24 कंपनियां तो लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रही हैं, और 24 से भी बहुत ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर रही है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो रिवाज है वो बहुत ज्यादा चला हुआ है,
कॉमन मैन वध्य वर्गीय आदमी सब हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में करवा रहे हैं। तो इन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया है, ये अब आज की डेट में आप चाहे 55 साल के आदमी का चाहे 60 साल के आदमी का इंश्योरेंस करवा लें, ये उसका हेल्थ का चेकअप नहीं करवाते, सिर्फ उससे पूछते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसको बता देते हैं। अगर उसने कुछ झूठ बोल दिया जाने अनजाने, जैसे आजकल लोग सोचते हैं यार कुछ नहीं होता, उसने जाने अनजाने भी अगर कुछ उसमें गलत बोल दिया और बाद में भगवान ना करे उसको वो बीमारी आ गई, तो इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती थी, उसका क्लेम नहीं देती थी, चाहे उसको 3 साल हो गए हों प्रीमियम भरते भरते। आम आदमी को इसका पता नहीं था। वैसे तो मेरे हिसाब से जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कर रही है, तो उसको जिसका भी हेल्थ का इंश्योरेंस करना है उसकी हेल्थ को चेक करवा लेना चाहिए, इनका अपना पैनल होता है, या जो भी फीस होगी उस कस्टमर से ले ली जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इनको ये पता है इसका रिजेक्ट कर देंगे तो ये क्या कर लेगा, ये आम आदमी है, ज्यादा करेगा, कंज्यूमर कोर्ट में चला जाएगा, वैसी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में चला जाएगा, वहां पे सालों लग जाते हैं, और ये हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है, किसी को कुछ नहीं समझती, और उसकी कमी को भी इन्होंने पकड़ लिया कि ये जी हमारे पास तो ये रिकॉर्डिंग है इस आदमी ने, पहले हमने जब हमारे डॉक्टर के पैनल ने वो फोन करते हैं, हमने इससे पूछा था, जब इसने फॉर्म भी फिलअप, आजकल तो ज्यादातर कंपनियां ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप कर रही है, तो इसने हमें मिसगाइड किया, इसलिए हम इसका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज 1 अक्टूबर 2020 से सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस को रिजेक्ट नहीं कर सकती, बशर्ते के आपने उस कंपनी में या आपने किसी और कंपनी में करवाया है उसमें उसको पोर्ट करवा लिया है, आपने अगर 8 साल का प्रीमियम पे कर दिया है, 8 साल तक आप किस्त अदा करते रहे हैं, और उसके बाद आपकी कोई भी किसी भी तरह की शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई, तो उसको कंपनी किसी भी ब्याप पे रिजेक्ट नहीं कर सकती, भले ही आपने उस टाइम जाने अनजाने में झूठ भी बोल दिया उनको, उसको 8 साल के बाद कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। यह भी आज से नियम लागू हो गया है। इसके अलावा अगर हम ट्रैफिक नियम रूल के बारे में समझे, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो आम सामान्य आदमी होता है वो ये सोचता है कि ट्रैफिक का तो मान लो चलान कट रहा है, क्योंकि अभी तो चल ही रहे हैं, अभी वो सारे जैसे हमारे शहर में भी कैमरे लग रहे हैं, अभी लगे नहीं है, उसके बाद वो लागू होगा। अभी भी मैं देखता हूं बस स्टैंड के पास बहुत जगह चलान कटते रहते हैं। सामान्य आदमी जो है वो ये सोचता है यार ये तो या तो हेलमेट का चलान काटेंगे, मैं गाड़ी ले रहा हूं तो मेरा सीट बेल्ट का काटेंगे। हालांकि मोबाइल भी आज 1 अक्टूबर 2020 से मोबाइल देखना भी लागू कर दिया भारत सरकार ने, बशर्ते कि आप उसमें नेविगेशन यूज कर रहे हो, अपना गूगल मैप यूज कर रहे हो, उसमें आपको फोन पे बात करना अलाउड नहीं है, वो पहले की तरह 5,000 रुपए उसमें आपको प्लंटी लगेगी। अब जो आम आदमी है वो ये सोचता है कि चलान काट रहे हैं तो मेरा तो या तो हेलमेट का, सीट बेल्ट का, या इंश्योरेंस का, या आरसी का, या मेरा जो डीएल है ड्राइविंग लाइसेंस का, या प्रदूषण का, इन चीजों का ये चलान काटेंगे या काट सकते हैं। पर मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि तो 50 से भी ज्यादा नियम है इनके पास, जो इनके उस फार्म के अंदर है जिसमें हमारा चलान काटते हैं उसमें हमारा चलान काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मली जो गाड़ी गुड़ी ट्रक घोड़ा गाड़ी चलाते हैं उनको ये भी पता है कि ओवरलोड का भी चलान कटता है, और वो कार में भी ओवरलोड का चलान कट सकता है। अगर आपकी 5 सवारी अलाउड है और आपने उसमें 7 बैठा रखी हैं, या कोई आपकी सेडान गाड़ी है, 7 SUV है, 7 सीटर है, वो आपने उसमें 9 सवारी बिठा रखी है, तो उसका भी ओवरलोड का ये चलान काट सकते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि ओवरलोड का चलान तो ट्रक बस का कटता है, ट्रक का कट रहा है, वो ज्यादा ओवरलोड, उसने सामान पैक ज्यादा डाल रखा है, इसका भी चलान काट सकते हैं। टू व्हीलर का भी ओवरलोड का चलान काट सकते हैं, अगर आपने 2 से ज्यादा सवारी बिठाई रखी है, भले ही वो तीसरा बच्चा आपका 1 साल का हो या 5 साल का हो, उसमें भी आपका ओवरलोड का चलान काट सकते हैं। उसके अलावा ये किस किस चीज का चलान काट सकते हैं, उसके अलावा ये आपका अगर आपने जूते नहीं पहने हुए, शूज नहीं पहने हुए, चप्पल पहनी हुई है, हेलमेट लगाया, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑल क्लियर है, फिर भी आपका शूज नहीं पहनने का चलान आपका कट सकता है। इसके अलावा अगर आप लोकल शहर में कहीं भी, सारे देश के किसी भी शहर में
ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, अपनी गाड़ी को वाहन को चला रहे हैं, वो अगर आपने गाड़ी आपके पास कार जीप ट्रक बस कोई भी ऐसा वाहन है चार पहिया या छह पहिया वाहन और आपने उसको हाई बीम पे लाइट पे चलाया हुआ है, मतलब तेज वाली लाइट उसकी ऑन की हुई है, लोकल रास्ते में सिटी के अंदर नगर पालिका या नगर निगम के क्षेत्र के अंदर, तो उसमें आपका चलान कट सकता है। अमूमन ये कटता नहीं है छोटे शहरों में, लेकिन मैंने ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये इस टाइप के चलान चंडीगढ़ में कटते हुए देखे हैं। आम आदमी तो ये भी सोचता है यार नो पार्किंग में है तो इसका भी चलान कटते गए, हमारे यहां तो बहुत कम कटते हैं। चंडीगढ़ दिल्ली में तो सट दसी इतनी देर में आप देखोगे इधर उधर कहीं छोड़ के चले गए तो वो गाड़ी ले जाएंगे ढाके, इतनी देर में आपका चलान कट जाएगा। इसके अलावा और किस चीज का चलान काट सकते हैं, आपके इंडिकेटर चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर का अगर आपका बल्ब फ्यूज है वो जल नहीं रहा, जिस साइड का आप इंडिकेटर दे रहे हैं वो उसको चेक कर सकते हैं, उसका भी आपका चलान कट सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी पार्किंग लाइट जो है वो अब नहीं चल रही है उसको भी वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी आपको इमरजेंसी होगी, कोई पंचर हो गया, कोई टायर फट गया या किसी वजह से आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होगी तो आपको वो गाड़ी जीटी रोड के साइड में कहीं खड़ी करनी पड़ेगी, तो आपको पार्किंग लाइट की जरूरत होगी, क्योंकि हाईवे का मतलब है तेज स्पीड, जो पीछे से आ रहा है उसको क्या पता लगेगा ये गाड़ी है, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, उसमें आपको पार्किंग लाइट बहुत जरूरी है। तो अगर आपको इमरजेंसी भी नहीं है, पुलिस आपका पार्किंग लाइट भी आपकी चेक कर सकती है, उसमें भी आपका चलान काट सकती है। और एक चीज का और चलान कटता है, जैसे गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है उसमें कुछ एरिया 20-25% ब्लैक करवा के रखना पड़ता है, ताकि सामने वाले की आंखों के ऊपर उसकी लाइट ना पड़े, उसका भी वो चलान काट सकते हैं। आपका प्रेशर ओरन का चलान काट सकते हैं, ज्यादातर लोग बुल्ट बाल्ट में इनमें प्रेशर ओरन लगवा लेते हैं या गाड़ियों में भी मैंने देखा है लगवा लेते हैं, उसका भी पुलिस चलान काट सकती है। एक लिमिट तक ओरन की आवाज होनी चाहिए, नहीं तो वो ध्वनि प्रदूषण में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें भी आपका चलान कट सकता है। इसमें आपको एक और ध्यान देने योग्य बात, सबसे जरूरी जो है, अगर आपका बच्चा कोई 16 साल का हो गया है, आजकल तो सभी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चों का, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मध्यम वर्गीय है, चाहे अपर मध्यम वर्गीय है, किसी भी कैटेगरी के, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के आदमी है, सब में एक रिवाज चल गया है कि आजकल हैप्पी बर्थडे मनाने लग गए हैं। जब आपका बच्चा 16 साल का होता है तुरंत उसकी अगले दिन ही एक एप्लीकेशन लगा के आइए, लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक्टिवा का जो नॉन गियर है उसका इजिली लाइसेंस, स्टूडेंट लाइसेंस उसका बन जाता है, और जैसे ही वो 18 साल से एक दिन भी ऊपर हो, जिस दिन उसका 18वां जन्मदिन है, अगले दिन ही उसका अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो आप ये मान के चलिए, अगर बगैर लाइसेंस के आपने उसके हाथ में कोई गाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल दे रखी है, भगवान ना करे वो किसी को लग गई, तो आपकी उसमें 3 साल की जेल हो सकती है। ये नियम बना हुआ है, बहुत से आदमियों को ये नहीं पता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे लाइसेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा अमूमन मेरे देखने में क्या आता है कि लोग अपनी गाड़ी को किसी को भी मांगी दे देते हैं, यार प्यारे रिश्तेदार को, वो देने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जिसको मैं अपनी गाड़ी दे रहा हूं क्या उसके पास लीगल लाइसेंस है तो क्या वो आज की डेट में वैलिड है, वो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। नहीं तो अगर उस आदमी ने कहीं एक्सीडेंट कर दिया और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपकी गाड़ी के ऊपर आपको सारा क्लेम वो पे करना पड़ सकता है, इंश्योरेंस कंपनी आपका दूसरी तरफ तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम भी पास नहीं करेगी, इवन यहां तक भी वो ये बोलेगी कि भाई जिसके पास लाइसेंस नहीं था आपने उसको अपनी गाड़ी क्यों दी, वो आपका इंश्योरेंस का भी उसको रिजेक्ट कर सकती है वो इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि इस आदमी के पास ये है कि नहीं है, उसके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप उसको बिल्कुल भी किसी कीमत पे भी आप उसको अपनी गाड़ी ना दीजिए। और बहुत से मेरे देखने में एक मिस्टेक और करते हैं लोग, जैसे ज्यादातर लेडीज के मामले में होता है, कई लेडीज मैंने देखी 35-40 साल की हैं, वो 10 साल से एक्टिवा चला रही है पर वो लाइसेंस नहीं बना रही है, ना ही उनको जरूरी समझ रही है, वो सोचती हैं जब टाइम था तब तो बना नहीं, अब भी बन सकता है।
अगर आप 18, 20, 22, 25 साल के हैं तो आपका 20 साल का लाइसेंस बनेगा, सारे देश के किसी भी कोने में बनवाएंगे। अगर आप 40 प्लस हैं, लेडीज हैं या जेंट्स हैं, कोई मैटर नहीं करता, आपको चलानी आती है नहीं चलानी आती है, आप सीख लीजिए, आपका लाइसेंस डायरेक्ट स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप का इनका बन सकता है, जिसको लाइट लाइसेंस बोलते हैं। लेकिन अगर आप 40 प्लस हैं तो आपका 10 साल के लिए वैलिडिटी होगी आपके लाइसेंस की। आप 50 साल प्लस हैं, आपने नहीं बनवाया, आप अब भी बनवा सकते हैं, उसमें वैलिडिटी आपकी 5 साल की रहेगी, वो आज भी आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। और एक मेरे देखने में और जो सबसे बड़ी कमी देखने में आई है, जब हम घोड़ा गाड़ी अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस किसी को सेल कर देते हैं, ज्यादातर लोग डीलर के थ्रू सेल करते हैं, और ये डीलर क्या करते हैं, एक सेलिंग लेटर लिख लिया, भाई ठीक है भाई, उसको पेमेंट कर दिया, अगला भी अब निश्चिंत हो गया, अपने घर आ गया। उसमें दिक्कत परेशानी बहुत बड़ी आ सकती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले पंजाब में एक बुजुर्ग आदमी थे, लगभग 60 साल के करीब, उनके पास एक ट्रक था, उन्होंने वो ट्रक सेल कर दिया। और जब उन्होंने ट्रक सेल कर दिया और जो वो बायर था जिसने वो खरीदा था, उसने डीलर के थ्रू सेल कर दिया, डीलर ने किसी और को बेच दिया, और उस आदमी ने उसको अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाया। अब वो सरदार जी के नाम रह गई, वो 60 साल के पहले ही बुजुर्ग थे। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उससे एक आदमी की मृत्यु हो गई। अब जब एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई तो पुलिस केस हुआ, पुलिस केस होने के बाद उस आदमी के पास लाइसेंस तो था जिससे वो आदमी मरा था, जो ड्राइवर उसको चला रहा था। अब इंश्योरेंस उसने करवाया ही नहीं था, इंश्योरेंस तो खत्म हो गया था, लेकिन वो गाड़ी उन सरदार जी के ही नाम पे थी। अब सरदार जी, क्योंकि उस गाड़ी को लगभग एक साल से भी ज्यादा हो चुका था बेचे हुए, लेकिन वो सरदार जी के ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया। वो क्लेम जो था, वो इंश्योरेंस तो हो ही नहीं रहा था, हो भी रहा होता जब नाम ट्रांसफर नहीं था तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर सामने वाले के पास लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी। लेकिन क्योंकि उस केस में इंश्योरेंस था ही नहीं, तो वो केस जो था वो कोर्ट में चला गया। लोअर कोर्ट में वो सरदार जी हार गए, उनके ऊपर मेरे ख्याल लगभग 80 लाख रुपए के करीब जुर्माना हुआ। पहले वो लोअर कोर्ट में चलता रहा, सेशन में चलता रहा, 5-7 साल लग गए, फिर वो हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में 10-12 साल लग गए, और फिर जाके वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां भी 8-10 साल का टाइम लग गया। इन बिटवीन लगभग 25 साल बीत गए, और 25 साल के बाद भी वो पलंटी उन सरदार जी के ऊपर ही लगी रही। अब सरदार जी की जो एज थी वो बढ़कर लगभग 85 साल के करीब वो हो गए थे, वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उनसे उठाने जा रहा था, मृत्युशैया पे लगभग वो पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी उनके आदेश आए कि भाई इस आदमी को पैसे दो। उनकी प्रॉपर्टी कुड़क करी गई, अगर प्रॉपर्टी नहीं होती उनके नाम कोई चीज, मकान दकान जमीन जदाद, तो उनको जेल में जाना पड़ता। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी गाड़ी सेल करें उस सामने वाले पार्टी को या डीलर को बोले, भाई जिसको पहले अपने नाम करवा ले, तू अपने नाम करवा ले, मैं तो 1000 रुपए कम ले लूंगा, अपने नाम करवा ले, फिर जिसके मर्जी नाम कर दिए, मेरे गले में मरोया सांप ना डाले, क्योंकि हमारे देश में कानून इस विषय में बहुत सख्त है। अगर हमें कानून का ज्ञान नहीं है तो हम इस तरीके से फंस सकते हैं। अब सवाल ये आता है, कुछ आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे, यार 4-5 गाड़ियां मैंने तो बेच खरीद ली, बेच दी ऐसे ही बेच दी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी। भाई दिक्कत तो पड़ी नहीं, या तो उसने नाम करवा ली होगी, नहीं नाम करवाई होगी तो उससे एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। मतलब यह है कि जिसकी टांग टूटी नहीं उसको क्या पता भाई टांग टूटने के बाद इसको ऊपर उठा देगा डॉक्टर, वो समझना चाहिए हमें। हमारे यहाँ करनाल में एक ऐसा केस था, ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र ज्यादा होगी तो आप क्राइम करना आपके लिए अलाउड हो गया या वो लीगल हो गया। हमारे यहाँ एक पानीपत के थे हवेली राम जी, वो यहाँ पे करनाल जेल में बंद थे, वो लगभग जब उनका चलान कटा था वो उनके पोते की वाइफ ने आत्महत्या कर ली थी, उसमें उनका नाम आ गया था कि इन्होंने उसको मार दिया है। कई आदमियों को सजा मिली थी, हवेली राम जी को भी सजा मिली थी, वो केस चलता रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां से भी उनकी सजा होगी, और वो तब तक उनकी उम्र 90 साल के करीब हो गई थी, वो अंदर ही पड़े रहे 4-5 साल, वो बिल्कुल जब डेड हो गए उनसे चला भी नहीं जा रहा था, देखा भी नहीं जा रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनके परिवार वालों ने याचिका लगाई कि भाई जो ये हवेली राम जी है इनको बरी कर दिया जाए, दया याचिका लगाई थी कि इनको बरी कर दिया जाए, क्योंकि अब इनका अंतिम समय आ गया,
यह खुली हवा में सांस लेके अपना अंतिम सांस ले लेंगे, लेकिन उनको भी ये छूट नहीं मिली। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया और वो आदमी जेल में ही पूरा हुआ। तो ये मेरा एक ऐसे यहाँ पे एक दोस्त है, थानेदार है, वो ये कहता है कि जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है ये तो मानस मारने का, आदमी मारने का लाइसेंस है, क्योंकि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं अगर आपके पास पिस्टल है, बंदूक है, हथियार है, कोई भी सरकार ने आपको लीगल दे रखा है, आपने कहीं उससे वाई फायर भी कर दिया तो आपका वो लाइसेंस कैंसल हो जाएगा 100%। कहीं लड़ाई झगड़े में ले गए, वहां जाके उसके घर के बाद उसके फायर कर दिया आपने, तो आपके ऊपर 307 भी लग सकती है और उससे आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। और भगवान ना करे आपने किसी को अपने हथियार से गोली मार दी तो आपको उसमें उम्र कैद भी हो सकती है और मृत्यु दंड की सजा भी हो सकती है, क्योंकि उसमें आपने सामने वाले आदमी को मार दिया। लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस ऐसी चीज है, अगर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस कोई भी चीज चला रहे हैं, भगवान ना करे किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और उस सामने वाले आदमी की डेथ होगी, तो आपको तुरंत प्रभाव से जमानत उसमें मिल जाएगी और लोअर कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी। आप किसी की टांग भी तोड़ देंगे, किसी की टांग आपने काट दी, हाथ काट दिया, तो मान के चले आपकी हाई कोर्ट से भी जमानत पता नहीं होगी क्या नहीं होगी। लेकिन इस केस में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड है उस तारीख तक जब वो एक्सीडेंट हुआ है। अगर वो आदमी मर भी गया सामने वाला, तुरंत प्रभाव से आपकी लोअर कोर्ट से ही जमानत हो जाएगी। सारे देश के किसी भी कोने में एक्सीडेंट हुआ हो और वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका सारा पैसा पे कर देगी, जितना भी उसका लॉस हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।